श्री उत्तम विश्वास जनरल सेक्रेटरी ऑफ धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन, शशि नायर सर, एक्स रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर एंड मेंबर ऑफ सीनियर सिलेक्शन कमेटी, हमारे सीनियर एम्पायर अमित हाजरा जी, अगर हम सही बोलें तो आई एम नॉट हैप्पी टू सी द स्कूल। अगर थोड़ा सा स्कूल के बारे में हम लोग, चूँकि क्रिकेट है, बात करना जरूरी है। 119 ऑल आउट रामगढ़, ऐसा विकेट में कहाँ है तिवारी, किसका है ये विकेट में अगर आप लोग 119 बनाइएगा और 31 ओवर में ऑल आउट होइएगा, मतलब कि एप्लीकेशन अच्छा नहीं था, है ना। बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स हुआ, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स, जो होना नहीं चाहिए। बैटिंग इतना आसानी से नहीं आएगा। आउट जो हुआ ठीक अंपायर, अगर बॉलर बॉलिंग अच्छा किया है, फिर भी बैट्समैन लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे बालाजी बोल रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, झारखंड में इतना अच्छा विकेट आपको नहीं मिलेगा। दैट इज अ ट्रू बैटिंग विकेट। आप देखिए फर्स्ट हाफ में जो है, एक आदमी 6 विकेट ले रहा है, फास्ट बॉलर 3 विकेट ले रहा है, वहीं सेकेंड हाफ में 250 हो रहा है। इसका मतलब है कि विकेट इज़ वेरी गुड, और इतना ट्रू विकेट में आपको खेलने का मौका मिल रहा है। उस दिन भी बोले थे, आज फिर हम बोल रहे हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। इतना आजकल वो ध्यान दे रहा है कि कहीं भी मैच जो टर्फ विकेट पर हो, आप लोग एकोमोडेशन बढ़िया किया है, जितना चीज़ भी है, और हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट है प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग बढ़िया करें। तो रामगढ़ से ऐसा उम्मीद नहीं है, कल चूँकि आपका पहला मैच है, तो उम्मीद करेंगे कि कल और अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। फ्रॉम धनबाद है, धनबाद इज प्लेइंग वेरी वेल येस्टरडे भी और आज भी, ग्रेट गोइंग, बट इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपका जितना मैचेस आएगा अब इससे टफ होते चल जाएगा। आप क्वार्टर फाइनल में आइएगा, सेमीफाइनल में आइएगा, फाइनल में आइएगा, और आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपना प्रिपरेशन और तैयारी इसलिए मत कीजिए कि आप झारखंड कैंप में आ जाइए। आप अपना तैयारी कीजिए कि बोर्ड मैच में जो आपको अगेंस्ट टीम खेलने मिलेगा उसका स्टैंडर्ड क्या है। आपको हम बता रहे हैं 25 कर्नल सीके नायडू में हम लोग इस साल थे, कर्नल सीके नायडू अभी ख़त्म होगा, फाइनल मुंबई और इसका मैच चल रहा था गुजरात का। जो लड़का हाईएस्ट स्कोरर है वो 1000 रन बनाया है 9 मैच में, 1000 रन, और जो हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ है वो 62 विकेट लिया है। एक दो विकेट ऐड हुआ होगा तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गुजरात का ही था। तो आप सोच लीजिए बोर्ड मैच में क्या परफॉर्मेंस है, और आप डिस्ट्रिक्ट में आए तो आपका क्या परफॉर्मेंस है। बट सबका इच्छा तो यही है कि आप अपना एटलीस्ट कंट्री के लिए खेलिए या स्टेट के लिए खेलिए, मिनिमम रणजी ट्रॉफी। तो दैट इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलना हो, दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि कल अच्छा होगा, और आप लोग को भी अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, चूँकि जब शॉर्टलिस्ट होगा तो प्लेट ग्रुप का और एलिट ग्रुप में डिफरेंस है, आपका 100 रन उसका 60 रन बराबर है, तो आपको उतना ज़्यादा रन बनाना होगा ताकि जो शॉर्टलिस्ट हो उसमें मैक्सिमम ज़्यादा आएगा, और जितना ऊपर जाइएगा मतलब फाइनल तक खेलिएगा तो आपका ज़्यादा लड़का आएगा, बिकॉज यू गेट मोर चांस। तो वो चीज़ को कीजिए कि जितना ज़्यादा हम लोग खेल पाए। इसके पहले कि हम आगे मैन ऑफ द मैच दें, हम चाहेंगे कि सर और कुछ ऐड करेंगे सर। नहीं, वही हम बोलें कि जो बोले हैं कि सॉफ्ट डिस्कशंस जो आपका जो हुआ है सुबह में, वो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा अच्छा से कम 250-230 इतना तो रन बनाना ही पड़ेगा। जिस तरह का विकेट है और आउटफील्ड है, सब कुछ आपका फेवर में, बैट्समैन लोग के फेवर में है, बॉलर लोग के फेवर में नहीं है। तो जो भी टीम करेगी वो 250 के ऊपर ही, 200-250-300 वो से ही आप अच्छा फाइट कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। आपका बॉलिंग अच्छा होने से भी फाइट करना मुश्किल होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हम बैटिंग करने जा रहे हैं तो हमारा बैटिंग का कोई पर्पस होना चाहिए। आपका बैटिंग जब जा रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है कि अरे 30-40 किया, नहीं वो पर्पस नहीं है। आपका टीम के लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, टीम के लिए आप बोलेंगे हाँ 70-80 किया, 100 किया, तब बोलेंगे हाँ ठीक है। तो टीम के लिए सोच के खेलिए, तभी आप लोग और अच्छा खेल सकेंगे। अच्छा खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे, 100% श्योर है कि आप लोग अच्छा खेलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों टीम के लिए बोल रहे हैं, एफर्ट लगाइए, अच्छा करने का कोशिश कीजिए।
अब मैं अपने महासचिव उत्तम विश्वास से आग्रह करूंगा कि मैन ऑफ द मैच के लिए बेस्ट बॉलिंग फिगर लाइफ में ऐसा कम होता है 8 ओवर 33 रन 6 विकेट कल टीम सचिन तिवारी को नए बल्लेबाज आदित्य नारायण और क्या नाम त्यागी धनबाद की ओर से पहली गेंद और एक शानदार चौका नए बल्लेबाज कोनन कुरैशी अब तक धनबाद का 7 रन हुए 1 विकेट के नुकसान पर चौका और धनबाद का स्कोर 38 1 विकेट के नुकसान पर
160 अच्छी फील्डिंग। अरे शानदार चौका। टाइम हो गया था, 10 मिनट बचा हुआ। शानदार चौका। धनबाद का स्कोर 71 71 रन। नए गेंदबाज वाहक राजा। पूरे चौका
से बॉल डालेगा तो अट्ठासी रन धनबाद के स्कोर तो हम जानते हैं कैसे जीतने के लिए 14 रन की आवश्यकता मात्र 6 रन की आवश्यकता धनबाद को जीतने के लिए और 2 रन की आवश्यकता 2 रन की आवश्यकता धनबाद को जीतने के लिए मैच और इसी के साथ बाद में अपना मैच जीत लिया है Thank you.